सर चिप्स कौन कौन सी खाई है? चिप्स तो हमारे यहाँ दो तरह की बनती है सर, क्या तो केले के चिप्स होने के क्या आलू के चिप्स। अभी हम चिप्स तो कभी इंजॉय ये चीज़ हमारे घर में ज़्यादा बनती है, ये चीज़ हम लोग ज़्यादा खाते हैं। हाँ एक दफ़ा मेरे को आइडिया याद किया कि वो दादू के सदी के जो ऐसा डिब्बा था, डिब्बे में आई थी चिप्स, उसके अंदर फिंगर वो मम्मी बड़ी खाई थी, वही इसके अलावा कोई चिप्स नहीं खाई। सर चिप्स तो कई प्रकार की आती है, बाकी हमारे बचपन में तो हमने गोली बिस्कुट यही खाए हैं, बाकी आती तो बहुत सारी वेराइटी की है और ज़्यादा तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती हो। सर जहाँ तक कि चिप्स की बात है तो आलू की चिप्स तो सर इतनी चर्चित है हमारे इलाके में कि जो है कि चीज़ वाली भाई भी कई चीज़ वाली भाई जो है कि स्कूल के बाहर बैठी रहती है वहाँ से बचपन से खाते वहाँ से ऊपर से लाल मिर्ची डाल देते हैं। बाकी सर यहाँ अगर मंच पे खाइए तो सर उसको मुझे कोई ध्यान नहीं है, बाकी सर इतनी खाने में आती नहीं, कभी कभार मन होता तो खा लेते हैं। ठीक है सर, आज हम आपको डोरिटोस चिप्स सर्व करने वाले हैं जी, और उसके दो फ्लेवर हम आपको देने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं चाहता हूँ सर आप उसे ट्राई करें और साथ में कंपेयर भी करें कौन सा फ्लेवर आपको ज्यादा अच्छा लगता है। ओहो, एक फ्लेवर तो सर होगा मसाला मेहम फ्लेवर। अच्छा अच्छा, दूसरा होगा नाचो चीज फ्लेवर। अच्छा अच्छा, आप दोनों ट्राई करें और उसके बाद अपना फीडबैक। फीडबैक तो बाद में आगे बाबू भाई, मुझे हैरानी बात हो रही है, आलू की चिप्स पे फ्लेवर निकाल दिए उन्होंने यार। अब देखो भैया क्या है कि नाचो चिप अब कंपनी है ये भैया, उनको जो बिजनेस करना है धंधा करना है, अब उनको हर जगह नए नए आइटम नए नए चीज निकालेंगे तो उनका धंधा बढ़ेगा, ये तो फिर होना नहीं है। तो क्योंकि राजू मैंने जो खाई अपन खाते हैं अक्सर आलू काट के सुखा देते हैं ऊपर से लाल मिर्च डाल देते हैं, बाकी ये जो बता रहा है ये दो अलग अलग फ्लेवर तो मैं बाकी सर मैं तो बिल्कुल जरूर खाना चाहूंगा जो आप बता रहा हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये चीज मुझे लत लगा दे क्योंकि मैंने तो खाई नहीं, मैंने आपको बता दिया मुझे जमती नहीं है ये। अरे क्या बात है यार, ये क्या बात है, मेरी लगा दिया तो पूरी गड्डी जमा दी भैया। एक काम करो अब तो अपने हिस्से की आधी पार्टी घर पर ले लो, एक ले लो, एक मेरी ये हो गई आधी पार्टी हो गई। वो यार भैया राइट मेरे को तो इसमें समोसे नहीं रहे, समोसे तो नहीं बने हुए, चलो मैं देखता समोसे तल के डाल दो खोलेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा समोसे के चिप्स से। हाँ यार ये अलग है यार, ये मुझे लग रहा है लाल कलर की मिर्ची और दिख रही है ना राजू। हाँ बिल्कुल चटपटी है भाऊ भाई, कंपनी वालों की मुझे एक आदत क्यों बुरी लगती है कि 100% में से 25% चिप्स भर देते हैं, बाकी 75% तो वही हवा भर देते हैं। अरे भैया तो वो क्या है ये क्या, अगर वो ऐसा नहीं करे तो फिर उनको ये भरा हुआ मालो इसके अंदर भरने का कौन, उनको ये अपन भी जानते हैं, बाकी उनको खुली भी दिखना चाहिए, ये जितनी बड़ी दिखेगी उतनी ज़्यादा दिखेगी। तो काम करो भैया दिल्ली वाले से स्टार्ट कर। क्या खुशबू, खुशबू ने तो मजा ही ला दिया यार, क्या बात है यार। ओह सेब में बनी पूरी है तो यार, यार मैं तो सोचा समोसा लेकिन ये तो निकली चिप्स। भाई मेरे हिसाब से तो छोटा समोसा ही बोलो इसको, क्योंकि समोसे जैसे ही है तीर को यार। इसके मुझे हाथ में जैसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जो है कि ऐसा रूखापन लग रहा है। भाऊ भाई मुझे एवोकाडो का एक कोई सा फल वगैरह था वो खिलाया था मिक्सर में पीस के, उसके संग ये चिप्स दी थी, मुझे ऐसी लग रही है बाबू भैया, सेम ऐसी लग रही है। अब तू जो केला की बात की तो मैं समझता हूँ, लेकिन अब खाने के बाद आपको बनी इसका सवाल वही है कि मीठ रही है यार, मुझे टमाटर खुशबू आ रही है इसमें। किसमें? इसमें तो खा के ही मालूम पड़ेगा ना इन जो अभी यार। अरे टेस्ट करे। आहा बहुत ही बेहतरीन लग रही है, थोड़ा तीखापन है इसमें। चटपटापन भी अच्छा है और थोड़ा मीठापन भी दिख रही है। अरे यार बाबू भाई मेरे को आलू की चिप्स नहीं लग रही यार, आलू तो नहीं है। अरे अब क्योंकि इतने जवान तो अपनी कम से कम पहचान सकती है। मुझे ये किसी चीज का वो पापड़ शरीर का स्वाद आ रही है, अब इसमें चाहे वो हाँ पापड़ हो सकता है। तुम दो ही टेंशन मत लो क्योंकि ये है मक्का की,
अरे यार आप बोल तो बोलूं। हाँ यार नहीं कहीं नहीं आलू चिप्स नहीं अलग जा रही है मामला तो कब पापा से कहा हम कहीं जा रही है ये मुझे ये बस आप सुना तो क्या मतलब क्योंकि मैं कैसे पहचाना कि अपन खाते हैं ज्वार बाजरा मक्का की रोटी है हाँ। जब वो कड़क हो जाती है तो इसे लगती थोड़ी थोड़ी यार जैसे मैं समझता हूँ राजू भाई राजू भाई कि आलू के बाद एक मक्का एक ऐसी चीज चीज है जिससे बहुत सी वेरायटी बनती है कितनी तरह बनती है हालांकि वो अलग बात अपन खाते नहीं है खाते नहीं है तो अपन गेहूँ और आलू में उलझे हुए रहते हैं खाना चाहिए मक्का वैसे रहीन जी मुझे लगता है कि थैली में आलू 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 की चीजें बाजार में आ रही थी हाँ। और कंपनी ने दिमाग लगाया कि अब कुछ अलग हटके चीज भेजो हाँ। वो है मक्का की चिप्स ये बात सही बात ये दिमाग लगाया उसने जिसमें आज अपने को नया फ्लेवर है बाबू भाई तो बहुत हो गया हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे राहिन जी आप सर आपने कौन सा फ्लेवर बताया था कुछ जमाने में वो चीज डालते उसमें बर्गर वर्गर में वो चीज डला हुआ मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें असली घी का वो बाहर मारते ही नहीं हाँ, और थोड़ी सी बटर भी डली हो मुझे हमेशा मक्खन बटर और चीज ये तीनों की खुशबू एक जैसी लगती है और तीनों दूसरी बनते ही नहीं भाई तीनों जो चीज दूसरी बनती है मतलब रंग पे नहीं जाना था आप लोग माल पे जाना था माल अंदर का जोर निकला अंदर कुछ जोर बाबू तुम्हें कौन सा चाहिए वाला ये वाला चला यार भैया ये मैं इसमें नहीं बता तुम एक ये खाओ एक ये खाओ और दोनों को साथ में लेके फिर मुकाबला होएगा जब मजा आएगा ये मजा आएगा ये कौन सा अच्छा है ऐसा करते हैं है। हाँ साहब ये हमारे लाल लंगोटिया पहलवान है नीले लगा के पहलवान नीले कलर के पहलवान अब इन दोनों का आप मुकाबला पूरा बटर के बटर ही है इसमें मसाला ज्यादा ये चटपटा ये चटपटा है और ये बटर जैसे बटर जैसी खा रही है अच्छा लाल वाला थोड़ा भारीपन लग रहा है मुझे इसमें वजनदार लग रहा है लाल वाला मेरे हिसाब से सुबह नाश्ते में खाओ और ये खाओ दोपहर के खाने में नीले वाला मजा ला देगा फिर तो दोनों खा लिया अब तुम्हारी राय में ये जीता को सबसे लाभ बताओ कौन जीता मेरे हिसाब से तो राहिन जी और बाबू भाई नीला जीत गया क्या वजह उसकी क्योंकि इसका तीखापन ऐसा भारीपन कितना उसमें यार नहीं हालांकि मेरे हिसाब से लाल वाला है सही क्यों क्योंकि उसके जो मक्खन डला है उसने जो है कि जरा मुंह को स्वाद बदल दिया मुझे लाल अच्छा लगा भारीपन भी उसमें बाकी मैं कहूं कि जिसको बुखार हो उसको नीला गिला दो नहीं उसका बुखार उतर जाएगा मुंह का टेस्ट भी मजा आ जाएगा बाबू तुम्हें कौन सा अच्छा लगा नीला वाला क्यों इसमें एक बार एक मसाला एक घसी चीज है अपने पास कितना भी बिगड़ा सभा दो अच्छा मसाला उनकी जगह पर आ जाए वो सारे सभा को भूलकर वो ऐसे मसाला देखो बाबू ऐसा है कि मैं चटपटे का मैं भी शौकीन हूँ तीखेपन का आपसे ज्यादा हूँ बाकी मुझे लाल अच्छा लगा इसलिए क्योंकि इसमें मक्खन डला अच्छा बाकी बाबू भाई तो आज मैचिंग मैचिंग होगा क्या बात है नीला है और नीला अरे वाह यार ये भी एक इत्तेफाक
चीज खाई है। बाकी में सब दिल बाग बाग हो गया उसके के मेरा मन बोले आप देखो मेरा जूता है जापानी है। मजा ला दिया यार आज तो।